जय हिंद बच्चों, आज हम लेकर आए हैं डीआई मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इन मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहले हम आपको बताएंगे कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता क्या है। तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल चेंज विथ मैसेज सिग्नल, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, एम अपॉन एसी। एम यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल है और एसी जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल है। म्यू को हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि डिराइव कैसे करेंगे मल्टीट्यून मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स मल्टीट्यून एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। पहले हम एक कैरियर सिग्नल लेंगे, लेट ए कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल होता है सीटी इक्वल टू एसी साइन ओमेगा सीटी। अब हम एक मल्टीटोन मल्टीटोन मैसेज सिग्नल लेंगे, मैसेज सिग्नल को एम टी से शो करते हैं, और मल्टीटोन है मतलब मल्टीटोन है तो इसको हम ए वन साइन ओमेगा वन टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टू टी प्लस ए थ्री साइन ओमेगा थ्री टी। तो बच्चों हम जब इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन निकालेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हमें पता है कि कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का फ्रिक्वेंसी तो सेम होती है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। तो हम वाई टी इक्वल टू लिखेंगे ए डैश साइन ओमेगा सी टी। अब ए डैश क्या है, तो ए डैश है ए सी प्लस एम टी। तो यहाँ ए वन ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी प्लस एम टी ब्रैकेट वन साइन ओमेगा सी टी। इसके बाद बच्चों हम देखिए क्या करेंगे कि यहाँ एम टी की वैल्यू पुट करेंगे, जब एम टी की वैल्यू हम पुट करते हैं, एम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ होगा वाई टी इक्वल टू ए सी प्लस ए वन साइन ओमेगा वन टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टू टी प्लस ए थ्री साइन ओमेगा थ्री टी ब्रैकेट वन साइन ओमेगा सी टी। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ कि ए सी को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स निकालना है तो ए सी को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या होगा ए सी को जब कॉमन लेंगे तो होगा वन प्लस ए वन अपॉन ए सी साइन ओमेगा वन टी प्लस ए टू अपॉन ए सी साइन ओमेगा टू टी प्लस ए थ्री अपान ए सी साइन ओमेगा थ्री टी साइन ओमेगा सी टी। तो हमने आपको पहले ही बताया था मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है, एम अपान ए सी। तो यहाँ कई मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स हैं, तो म्यू वन क्या होगा, म्यू वन हम ले लेंगे ए वन अपान ए सी, म्यू टू म्यू टू ए टू अपान ए सी, म्यू थ्री ए थ्री अपान ए सी,
अब अगर सारी वैल्यू में पुट कर देते हैं तो हम वाई टी क्या आएगा, वाई टी आएगा ए सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू 1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस म्यू 2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस म्यू 3 साइन ओमेगा 3 टी साइन ओमेगा सी टी। बच्चों हमको मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स निकाला, तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स 3 हुआ, तो हम टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आएगा, टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स म्यू इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3। हमको यही फाइंड करना था। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।